हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं आइस क्यूब मशीन के बारे में। आप देख सकते रहेंगे आइस क्यूब मशीन है, किस तरह से कितना क्रिस्टल आइस जम रहा है, स्ट्रांगली जम रहा है। तो इसी मशीन के बारे में रिव्यू करेंगे, थोड़ा जानकारी समझेंगे, बेसिक क्या क्या इसमें फंक्शन रहते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते रहें कितना आइस जम रहा है, किस तरह से इसके अंदर थोड़ा ऑपरेटर वगैरह भी देखेंगे। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बर्मा कंपनी का है, आइस मेकर है, जैसा नाम देख सकते रहे। ये भी नया जो है इंस्टॉल किया गया है, तो उसके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं क्या क्या पार्ट्स लगा रहता है, कैसे रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है इसके लिए। तो ये जो मशीन है ये हमारा 24 आवर्स में 400 केजी ये आइस बना सकता है। आइस का साइज जो रहता है इसमें 7 ग्राम जो है पर आइस जो है आइस क्यूब है, एक साइज एक आइस क्यूब जो रहेगा छोटा उसमें 7 ग्राम का बनाएगा। यहाँ पर जैसा थर्मोस्टेट लगा हुआ है, टेम्परेचर लगा हुआ है इसमें, इसका टेम्परेचर जो है सेंस करता है कितना टेम्परेचर रहता है, और आइस फुल हो गया तो यहाँ से ऑटोमेटिक बंद करेगा लगाएगा। यहाँ पर एक पावर रहता है जो मैनुअली पावर है, इसमें हम लगा देंगे, जैसे ग्रीन कलर का जो पावर है इसे हम चालू कर देंगे। इसके अंदर जो हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, कंडेंसर है, ऑपरेटर जो भी इसके सेट पूरा बॉडी में ही साथ में सेट है, देख सकते रहे। एक कंडेंसर लगा हुआ है यहाँ पर। नॉर्मल हमारा एसी फ्रिज कुछ भी रहता, फ्रिज तो नॉर्मल रहता ही रहता है, इंडोर में रहता है, सब कुछ रहता है, उसी तरह से ये भी है। और यहाँ 3 पिन टॉप पावर सर्किट कोड है, ये 32 एम्पियर का लोड इसमें मैक्सिमम लेता है। एक कंडेंसर देख सकते रहे, कंडेंसर लगा हुआ है और फिन्स वगैरह है, तो ये अभी नया है तो भी देख सकते सब कुछ क्लियर ही है। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ये बॉडी देख सकते रहेंगे, ये बॉडी फाइबर बॉडी है लेकिन इंसुलेटेड बॉडी है। ये जो बॉडी है इंसुलेटेड है, इसका जो मॉडल नंबर देख सकते रहेंगे वर्मा, और इसका मॉडल नंबर जो भी है फ्यूज करके आप देख सकते रहेंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर देख लीजिए, अभी मॉडल नंबर VM900A लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर साइज़ वगैरह जो भी आप अलग अलग टाइप के देख सकते रहेंगे क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है 404A है। बाकी यहाँ पर डायग्राम वगैरह है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसका वायरिंग डायग्राम किस तरह रहता है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो ये बेसिक जो देख सकते रहेंगे इसके अंदर जो हमारा कंडेंसर है नया है लगा हुआ है, तो हम बाद में इसको समझेंगे, पहले बॉडी ऊपर से हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, रिव्यू करा देते हैं। यहाँ स्विच देखिए अभी चालू हो गया है, पावर जो अभी पहले हमारा नया था बंद था, अभी हमारा स्विच चालू हो गया है। चालू होने के बाद अभी देखिए इसमें कितना आइस किस तरह से जम रहा है। आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर आइस जो है कितना क्रिस्टल क्लियर आइस जो है, स्ट्रॉन्ग आइस चल रहा है। ये आइस जो हम जो आइस क्यूब है, कभी कोई भी फूड आइटम के साथ, खाने के साथ में या ड्रिंकिंग के साथ में, पानी ठंडा करने के लिए कप वगैरह में, कहीं पर भी यूज कर सकते रहेंगे। अलग अलग टाइप के होटल में हो गया, मॉल में हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह में सब यूज किया जाता है। कॉफ़ी वगैरह के लिए हो गया, या फिर कोक वगैरह के लिए हो गया, या बियर वगैरह के लिए हो गया, सब अलग अलग टाइप के यूज किया जाता है, पीने के लिए, खाने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते रहें कितना क्रिस्टल है, क्लियर है। ये एक जो आइस है इसका जो एक साइज पीस है ये 7 ग्राम का है बना हुआ है, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। ये जो हमारा आइस ऐसे ही नहीं बनता है, क्योंकि हम फूड है, ये खाने वाला चीज़ है, हमारा इसके लिए प्योर जो है इसके अलग जो है एक वाटर फिल्टर लगाया जाता है सिस्टम, जैसे पानी का पूरा सिस्टम प्रेशर होना चाहिए, इसे क्लियर करने के लिए वाटर फिल्टर कैंडल वाटर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं वाटर फिल्टर है, पूरा पाइपिंग किया हुआ है, क्योंकि पानी जो है हमारा नॉर्मल वाटर फिल्टर नहीं रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद देख सकते रहेंगे इसके इवेपरेटर साइज है, इवेपरेटर यहाँ पर देख सकते रहेंगे कितना क्लियर है, जो आइस वन बाय वन बनाता है। यहाँ पर ड्रेन है नीचे जो है पानी का ड्रेन वगैरह है, और फिल्टर पीछे लगा हुआ है, फिल्टर पानी को साफ करेगा, शुद्ध करेगा, और इसके अंदर देख सकते हैं आइस जम रहा है। और यहाँ पर वन बाय जैसे छोटा छोटा होल है छेद, उसी में हमारा आइस जो है जमता है, फ्रीज होता है। यहाँ पर सनलाइट ड्रेन देख सकते हैं, ड्रेन वाल लगा हुआ है यहाँ पर ड्रेन के लिए, सनलाइट वाल लगा रहता है, और 2-3 इसमें सनलाइट वाल लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है जो पानी को प्रेशर नीचे से उठा करके इसके ऊपर स्प्रिंग करता है, और स्प्रिंग करके वहाँ से ऑटोमेटिक तरीके आइस जो जम करके प्रेस होते रहता है। ये थोड़ा हमारा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, और देख सकते हैं आइस जो है पानी ऊपर से गिर रहा है, तो ये नॉर्मल जो इस तरह से पानी हम गिरते रहता है डिफ्रॉस्ट के लिए, या फिर क्लीन के लिए, या आइस फ्रॉस्ट होने के लिए, देख सकते हैं इसके पानी की आवश्यकता रहती है। तो ये भी वर्क है, मेंटेनेंस का काम चल रहा था, रिपेयर किया चाहिए, टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल्स में दूसरा वीडियो में हम जानेंगे, बेसिक चीज़ में हम रिव्यू कर रहे हैं, समझ रहे हैं कैसा रहता है, जो नए लोग रहते हैं उनको जान मालूम चल सके क्या क्या सिस्टम रहता है। देख सकते रहेंगे ये आइस क्यूब मशीन है, इसको स्पेशल हमारा वाटर फिल्टर लगाया हुआ है पानी को साफ करने के लिए, क्लियर कर रखने के लिए, फूड आइटम में खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
जैसे कि कितना आइस जमा हुआ है, जिसको अभी सेल किए या यूज़ के लिए रेडी है, दे सकते रहेंगे। कुछ इस तरह से आइस जो है जमता है, मशीन रहता है, वर्क करता है। ये मशीन जो हमने बताया 24 आवर्स में 400 केजी तक आइस ये जमा सकता है। और एक जो साइज है, एक जो आइस क्यूब है, इसका 7 ग्राम का है। अलग अलग साइज़ के अलग अलग मॉडल के आते रहेंगे, बट ये जो है हमारा एक 7 ग्राम का आइस क्यूब जमा हुआ है इसमें। और नॉर्मल मैनुअल है, गैस वगैरह है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानकारी मिला रहेगा, क्या चीज़ है, कुछ जानकारी मिला है कि नहीं मिला है, देखने को रिव्यू मिला है कि नहीं मिला है, अब इसके बारे में डिटेल्स में हमें आप फीडबैक जरूर दीजिए, क्या चीज़ अच्छा लगा है, क्या गलत लगा है। ये वीडियो और भी लोग पास शेयर करें, नॉट नए टेक्नीशियन लोग हैं या जो इस सबके आइस क्यूब मशीन के बारे में जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उन लोग पास ये वीडियो शेयर करें, जिसको उनको भी मालूम चल सके, देख सके, उस समय सीख सके। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल इसके बारे में समझेंगे, क्या क्या फॉल्ट आता है, कैसे रिपेयर करते हैं, गैस चार्जिंग, एक्स्ट्रा हर एक पार्ट वीडियो में चलने वाला है हमारा। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानकारी मिला रहेगा। ये वीडियो और लोगों के पास शेयर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।